एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। ज़्यादा इसमें आज इंट्रो विंट्रो कुछ नहीं है, आज सीधा अपने टॉपिक पे आती हूँ और ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। हाथ जोड़कर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये वीडियो है सपना को लेकर, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि जो भी है, जैसा भी लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव थंबनेल बनाए हैं और बहुत कुछ सपना ने बोला है इसके बारे में, बहुत अच्छा किया। मैं तो दिल से सपना का इस चीज़ से आभार करती हूँ कि वो आई सामने आके उसने खुद से इस चीज़ का जवाब दिया, क्योंकि अगर कोई बंदा बोलता है तो दूसरे बंदे को फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप खुद आके सामने से आवाज नहीं उठाते हो तो बाकी लोगों को नहीं समझ में आता है। साथ आप सब दे रहे हैं पर आप गलत तरीके से दे रहे हैं, आपको ये चीजें समझनी चाहिए थी। मैंने आप लोगों को पहले भी अवेयर किया था, सपना की वीडियो के आने से पहले भी मैंने इस चीज के ऊपर आवाज उठाई थी, बट मैं आप लोगों के साथ ये सिर्फ उन बातों को मैं रिपीटेड करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी बात रखने आई हूँ जो मुझे रखनी है, जो मुझे करनी है। देखिए, ये बात सपना के लिए नहीं है, ये एक हर एक उस औरत के लिए है। आज मैं मार्केट गई थी तो मैंने एक लेडीज देखी वहां पर, वो वीडो थी, तो उनको लोग पता है किस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। वो मतलब कुछ मतलब शॉप पर सामान ले रही थी ब्यूटी से रिलेटेड, मतलब उन्होंने एक वीट की मतलब क्रीम ली थी, तो बोल रही है वो मतलब जो शॉपर था वो उनसे पूछ रहा था, जो शॉप का मालिक था, कि जो मालकिन थी, क्योंकि वो लेडीज थी, तो पूछ रही थी कि आप क्या करोगे, आपके क्या काम की है। मैं वहीं पर अपना कुछ सामान ले रही थी तो उसने कहा कि मैं क्यों यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने लिए ले रही हूँ, तो आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको पैसे पे तो कर रही हूँ ना। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले जाइए, बट आपके हस्बैंड तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने सिंदूर नहीं लगा रखा है, आपने चुटकी नहीं पहन रखी है। ठीक है, उसने चुटकी नहीं पहन रखी थी, उसने सिंदूर नहीं लगा रखा था, आपने उसको जज कर लिया कि उसके हस्बैंड नहीं है, और उनके हस्बैंड थे भी नहीं, मैं आपको बताऊं तो क्या उसकी खुशियां मर गई, उसको जीने का हक नहीं है समाज में। मैंने ये बात वहां पर की क्योंकि मुझसे इतना कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने वहां पर बोला कि क्या इनको जीने का हक नहीं है, क्या इनको ये सब चीजें खरीदने का हक नहीं है, क्या हस्बैंड चले गए इनके तो उसके बाद इनकी खुशियां खत्म हो गई, ये अपने लिए खा नहीं सकती हैं अच्छा, ये पहन नहीं सकती हैं, क्यों? अगर ये कुछ खरीद रही है तो अपने पैसे का, अगर ये पहन रही है अपने पैसे का, अगर आप कुछ खा रही है तो भाई अपने पैसों का। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है इन सब चीजों की तो आप पे कर दीजिए और आपके अकॉर्डिंग ये रहेगी, ये अच्छा भी नहीं खाएगी, पहनेगी भी नहीं, पर इसकी जो जरूरतें हैं आप वो पूरा कर दीजिए। तो पता है मुझे क्या जवाब दिया, हम तो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये सब अच्छा नहीं लगता है। जिसके साथ परमात्मा ने पहले इतना बुरा कर दिया, आपको कोई हक नहीं बनता उसके साथ ऐसा तुच्छ व्यवहार करने, मुझे ऐसा लगता है। औरत कहते हैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो दिल से सोचती है, आदमी हमेशा से दिमाग से काम लेता है। कहते हैं ना औरत का दिमाग घुटनों में होता है, तभी तो वो दिल से सोचती है, हर रिश्ता दिल से निभाती है, हर रिश्ता। अगर सामने बंदा भूखा प्यासा भी बैठा है ना और उसको पता चल गया कि वो प्यासा है, उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो भी जाके पानी पिला देगी इंसानियत के नाते। पर यहीं पर कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो ट्रोल करने आ जाती हैं, इन सब चीजों का फायदा उठाती हैं नेगेटिव तरीके से। नहीं, कोई हक नहीं है आपका। आप लोग बोलेंगे व्यूज के लिए, तो यहां पर मैं व्यूज के लिए बात नहीं करने आई, क्योंकि कल सपना ने ऐसी बात कही और उससे रिलेटिव, क्योंकि अगर मैं बनाना होता तो मैं इस वीडियो को तुरंत, पूरा दिन निकल गया मैं तब भी बना सकती थी। जैसी मैं मार्केट से आई हूँ, पूरा दिन आज मेरा मार्केट में निकल गया, और जैसे ही मैं घर में घुसी, 7 बजे मैं आई थी और 7:30 तक मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, हाथ पर अपने धोए, और तुरंत क्योंकि मेरे माइंड में वो बात घूम रही थी, जब तक मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी अपनी सोसाइटी में, अपने यूट्यूब पर, तो मुझे कहीं ना कहीं ये मलाल सा रह जाएगा कि मैंने क्यों नहीं बोला, और मेरे पास प्लेटफॉर्म था, मैं तब भी नहीं बोल पाई, तो फिर क्या फायदा मेरे इस प्लेटफॉर्म का। आपको हक तब होता है जब आप किसी के घर का खर्चा उठा रहे हो, आपको राइट तब बनता है कि आप उसके बच्चों की परवरिश कर रहे हो, आपको हक तब बनता है कि आप उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद ने उठाई हो, आप तब बोल सकते हैं। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दो। वो आपकी शॉप पर आई, आपको सामान सेल करना था, आप कर देते, आपको उसकी पर्सनल लाइफ में घुसने का क्या हक है। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ। कुछ लोग हैं ना जो बहुत सारे लोग सपना को बोलते हैं, उसकी फैमिली में ट्रॉल करने जाते हैं, उसकी फैमिली को बोलते हैं उसके घर में कोई नहीं है, बहुत दुख हुआ, तो भाई
वो उसे भी पता है, पर आप बार बार इस चीज़ को बोलकर उसको क्यों पेन करते हैं, क्यों आप उसको पिंच करते हैं? पेन होता है उससे, दर्द होता है, वो जख्म फिर हरा हो जाता है। मत बोला करो, बुरा भी लगता है, आपको लगता है आप उसको सिंपथी दे रहे हो। सबको पता है कि सब अपना उल्लू सीधा करते हैं, कोई किसी से किसी भी वे में, अच्छे वे में, अच्छे स्वाद से बात नहीं करता। मैं आपको बता दूँ, आज ये वीडियो मैं डाल रही हूँ, इस वीडियो को पता नहीं कितने लोग देखेंगे, मुझे नहीं पता, और मैं इसमें से कुछ कट नहीं करने वाली हूँ। मैं जैसा बना रही हूँ ऐसा ही मैं इस वीडियो को डालूंगी, और मैं देखना चाहती हूँ कि समाज इस वीडियो को कितना एक्सेप्ट करता है, ऐसी बहनों को कितनी रिस्पेक्ट देता है, देखना चाहती हूँ इस समाज से। क्यों एक शादीशुदा औरत, सुहागन औरत को हक है इस समाज में सब कुछ लेने का? क्यों भाई, आपसे ज्यादा उस औरत ने दुख फेस किया है, उसके सिर पे आदमी का साया नहीं है? जिसके सिर पे आदमी का साया नहीं होता ना, उसके आसपास कुत्तों की तरह समाज भौंकता है, कुत्ते की तरह उसको नोचने की कोशिश करता है, उसको बस कह नहीं सकती हूं मैं, वो सब करने की कोशिश करता है। और आज मेरी उससे जमकर 10-15 मिनट खूब बहस हुई इस शॉप पर। तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने वहां पर जो कहा क्या गलत कहा था? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी तरुणा ने अगर आज आवाज उठाई थी समाज में खड़ी होकर, तो क्या गलत उठाई थी? जो बात आपके साथ मैंने शेयर की, क्या वो बात गलत है? सिर्फ उन बहनों से मैं पूछना चाहती हूं, उन सिस्टर से मैं पूछना चाहती हूं कि आज इस तरुणा ने जो बोला, क्या आपकी तरुणा ने गलत बोला? अगर गलत बोला तो आपने सही बोला तो आप हार्ट भेज दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत बोला है तो आप येलो हार्ट भेज दीजिएगा, सही बोला है तो रेड, गलत बोला है तो येलो हार्ट। उससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितनी सही हूँ और कितनी गलत हूँ। शायद मैं आगे से फिर कभी कोशिश नहीं करूँगी। पहली कोशिश थी, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी तरुणा ने गलत किया। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।